बिस्मिल्लामीम हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह उन्होंने बयान करते हैं रसूल अल्लाह सीदगा तशरीफ ले गए वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया ए औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्न में ज्यादा तुम ही को देखा है उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यूँ आप सल्लाह ने फरमाया तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह आप सल्लाह वाल्लम ने फरमाया क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से नफ नहीं है उन्होंने कहा जी हाँ आप सल्लाम ने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना ही रोज़ा रख सकती है औरतों ने कहा ऐसा ही है आप सल्लल्लाहु सल्लाह वसल्लम ने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान है इस हदीस की बुनियाद पर एक कायदा कुलिया बना लिया गया है कि इस्लाम के मुताबिक औरतों में मर्दों के मुकाबले में अकल की कमी होती है और उनकी फिक्री सलाहित मर्दों से कम तर होती है हालांकि हदीस में ये बात नहीं कही गई यह एहतमाल इस हदीस में आपके सरशाद से भी दूर हो जाता है औरत होशियार मर्द की अक्ल को गुम कर देती है अगर औरत की अपनी अकल नाकिस करार दी गई होती तो ये ना कहा जाता कि वो होशियार मर्द की अकल को भी काबू कर लेती है इसी हदीस में आगे ये वजाहत मौजूद है की औरतों के नाकसातुलल वाल होने का क्या मफहम है उसमे औरतों की दीनी और दुनियावी मामला में उनकी असली खलकत फित्री आवार की वजह ऐसी आने वाली कमी की तरफ इशारा है यानी अयाम मखसूस में नमाज और रोज़ा की अदायगी में दी गई शरीर और, और गवाही देने के मामला में सिनफ नाजिक को कम जिम्मेदारी सौंपे जाना औरत की फितरत में जज्बात का गलबा होता है वो अपने फितरी जज्बात से मगलूब होकर अशिया के बारे में फैसला करती है इसके जज्बा बसा अवकात उसकी अकल पर भी गालिब आ जाती है मौजूदा दौर के एक महक्क शेख मोहम्मद अली साबुनी रहमत ने लिखा है मर्द की अकल इसके जज्बात पर गालिब रहती है जबकि औरत के जज्बात उसकी अकल पर गालिब रहते हैं ये अल्लाह ताला की हिकमत है अगर औरतों में जज्बात की फरवानी ना होती तो बच्चों की परवरिश सही तरीके से ना हो पाती तरबियत अतफाल के लिए कवि जज्बात मतलूब है ना के अकली फलसफा अल्लाह तला ने जज्बात का पहलू गालिब रखा है बनस्बत मर्दों के और ये औरतों के हक में ऐब नहीं बल्कि एक लिहाज से खूबी है अगर औरत में जज्बात का पहलू ना होता तो वो बच्चे के रोने पे तड़पती ना बाप तो करवट लेकर सो जाता है माँ सारी रात जागती है यही अगर ना होता तो ना औलाद की सही परवरिश होती न शोहर को सुकून मिलता मजकूरा हदीस में इसी बुनियाद पर इन पर हैरत का इजहार भी किया गया है की वो बड़े ऐसी बड़े अकलमंद आदमी की अकल को भी गुम कर देती है वो अपने जज्बात का इजहार करके मर्द को अपना दीवाना बना ना देती है या उसको इतना तयश में ले आती है कि वो सोचता ही नहीं और औरत की खातिर लड़ने मरने को तैयार हो जाता अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या औरतें वाकई अकल में कम है इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं कि मर्द और औरत और अकलो और जज्बात के हवाले से एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर अकल ऐसी मुराद नजरे है या हम इसको मजीद आसान कर देते हैं मर्द औरत ऐसी तजिया तहलील फलसफियाना इस और सियासी और समाजी मामला में ज्यादा तेज होते हैं यही वजह है की मर्द रियाज़ियाती और खालिज साइंसी मामला में औरत से ज्यादा बेहतर नजर आते हैं और इसी वजह से ज्यादातर साइंसी महक्क और नोबल इनाम याफ्ता मर्द हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो बाद में ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में शाया हुई से मालूम होता है कि मर्द औरतों की बनस्बत आई क्यू लेवल के हिसाब से पांच प्वाइंट आगे है दूसरी तरफ खुवा फितरी तौर पर जज्बाती लिहाज से ज्यादा अच्छी और मजबूत होती है और इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं के जज्बात इंसान के अमाल पर पूरी तरह असर होते हैं एक माँ अपने बच्चे के जज्बात को बाब ऐसी ज्यादा समझ सकती मुखसर ये कि हम कह सकते हैं कि एक मर्द आई क्यू जुजियाती और मनतकी लिहाज से ज्यादा जहीन होता है जबकि एक औरत इमोशनल इंटेलिजेंस जज्बाती लिहाज से ज्यादा जहन होती है और मर्द से ज्यादा जज्बात को समझ सकती है एक तहकीक में औरतों ने ई क्यू टेस्ट हमदर्दी जती और समाजी जिम्मेदारियों में मर्दों को पीछे छोड़ दिया हम देखते है की बास चीजों की मर्दों में कमी होती है जिसको खातन पूरा कर देती है और बाजों की कमी औरतों में होती है और उसको मर्द पूरा कर देते हैं मर्दों को जज्बात के लिए या जज्बाती जिंदगी या वस्तग के लिए औरतों की जरूरत होती है और औरतों को अकली मामला में मदद के लिए मर्दों की जरूरत होती है लिहाजा मर्द औरत और एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है इसलिए हदीसी मुबारक में आता है उम्मल ममिनत आयशा रजी अल्लाह तला कहती है की रसूल अल्लाह साल ने फरमाया औरतें मर्दों ही की शकीका शकीका का मतलब है कि पैदाश और फितरत में हम जिन्स हैं लिहाजे तक आदमियत और, और शरफे इंसानियत और शरी लिहाज ऐसी मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं हमने देख लिया की हजूर साल ने जो फरमाया है वो हकीकत है और ये बात एक खास मौके की अहमियत के लिए कही गयी ये बात याद रखने की है की जहानत चाहे जज्बाती हो या मनतकी वो मर्द वत की हसीयत का अंदाजा लगाने का मैार नहीं बल्कि इसका वाह मैारदाकत और तकवा है जैसे की अल्लाह ताने पाक में फरमाते हैं बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बुराइयों से दूर रख कर नेकमाल करने की तोफ़ी अता फरमाए तमाम मर्दों को औरतों की और औरतों को मर्दों की इज्जत करने की अता फरमाए